सोशल मीडिया पर आजकल सलमान खान का नाम बदलकर संस्कार भाई या फिर सेंसर भाईजान रखा गया है, बिकॉज सलमान खान बीते कुछ टाइम से लगातार संस्कारों की और सेंसरबाजी की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फैलती नंगाई पर लेकर बहुत तखल बयान दिए। इसके बाद उनका कहना यह है कि लड़कियों को कपड़े कम पहनने चाहिए, बिकॉज इससे पुरुषों की नजर उन पर नहीं पड़ती। प्लस उनकी को स्टार पलक तिवारी ने उनको लेकर ऐसा खुलासा कर दिया जिससे सलमान खान की सोच पर और उनके पुराने दकियानुसी विचारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है सारा माजरा, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली सलमान खान आजकल बहुत ही गलत कारणों से चर्चा में है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि सलमान खान सेट पर लड़कियों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड रखते हैं, और ये मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने सलमान खान की सोच पर सवाल उठाया। बाद में पलक तिवारी ने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया, लेकिन अंतिम में जब सलमान खान की प्रोडक्शन में वो असिस्ट कर रही थी और किसी का भाई किसी का जान में जब वो काम कर रही हैं, दोनों टाइम पर सलमान खान ने पूरे सेट पर लड़कियों को बोला था कि लो नेक की या डीप नेक की कपड़े नहीं पहने जाएंगे, आप खुद का कवर करके आइए। ये बात अलग है, सलमान खान बात बात पर अपने कपड़े उतार देते हैं, फिर चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो या फिर मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन एक्ट्रेसेस को चाहते हैं पूरी बुरके में कवर होकर रहे। यही वजह है सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, उनको दकियानुसी का टाइटल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, लड़कियों को अपनी जागीर समझते हैं और उनके मुताबिक कपड़े पहने ठीक है वरना लूज कैरेक्टर। बहरहाल पलक तिवारी ने कितना सच बोला कितना झूठ ये तो आने वाली बात है, लेकिन सलमान खान इसी से मिली जुली बात कुछ साल पहले भी कह चुके हैं। करीब 10 साल पहले उनका आपकी अदालत में एक एपिसोड आया था जहां पर अजय शर्मा से उन्होंने खुलकर कहा था कि वो चाहते हैं लड़कियां कम कपड़े पहने, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। उनके मुताबिक मेरी बहन अर्पिता मेरी सुनती नहीं है, जब मैं पूछता हूँ तुम कहाँ जा रही हो तो बोलती है तुम्हें क्या मतलब, जब मैं बोलता हूँ तुमने क्या पहना है तो कहती है कि भाई चिल करो। अब क्या कर सकते हैं, समय के साथ बदलना पड़ता है, लेकिन मेरे दिमाग में बचपन का एक विजुअल है। हमारा परिवार जब अंग्रेजी फिल्में देखता था उसमें लव मेकिंग सीन आते थे तो सारा परिवार ऑकवर्ड हो जाता था, लेकिन आजकल तो पूरी नंगाई खुलकर चालू है और कोई किसी को कंप्लेन नहीं करता। बहरहाल जब उनसे कहा गया कि आप खुद कपड़े उतारते हैं तो उनका तर्क यह था कि लोग उनको देखकर जिम जाते हैं, उनका कपड़ा उतारना सही है लड़कियों को उतारना गलत है, यानी तुम नंगे तो हरामी हम नंगे तो महावीर स्वामी। बहरहाल सलमान खान परंपरावादी हैं, दकियानुसी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, महिलाओं को जागीर समझते हैं, ये तो मुद्दा डिबेट का है, लेकिन सलमान खान का कंसर्न ये है कि लड़कियों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, इसीलिए सेट पर लड़कियां थोड़ी सी अपने आप को कवर करके आए। लेकिन भाईजान को कोई बताएगी ऐसा सिर्फ ड्रेस के आधार पर नहीं हो सकता, बिकॉज सिर्फ ड्रेस अच्छी पहना के आप लड़कियों के खिलाफ क्राइम रोक नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं आसपास काम करने वाले पुरुषों की नज़र को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज पुरुषों का नजरिया ही खराब होता है, नज़र खराब होती है तो फिर कपड़े कैसे ही पहनो उनके साथ बदतमीजी हो जाती है। प्लस पलक तिवारी अभी इस इंडस्ट्री में नई हैं, उनको नहीं पता प्रेस में क्या कहना चाहिए क्या नहीं। सलमान खान को अपने जो एक्टर्स हैं अपना जो उनका चेला ग्रुप है उनको असिस्ट करना चाहिए, उनको ट्रेंड करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि उनके बारे में कोई ऐसी बात ना करें पब्लिक में जिससे उनकी फजीहत हो। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।